السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب ذو الجلال والإكرام خالق الكائنات مالك الأرض والسماوات कि हमद व सना मदह सताइश अजमत व बड़ाई के बाद बेशुमार दरूद और सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया और रसूल पर बिलखसूस कायनात के आखिरी इमाम आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर सरताज रसूल इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन वल आखरीन खातमुल अंबिया वल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब व रब्बिल आलमीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज की इस यक रोज़ा अज़ीमुश्शान रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के सदर आली वक़ार जमात की बुजुर्ग और मोहतरम शख्सियत हजरत मौलाना कारी नजमुल हसन साहब फैदी आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शरीक हमारी जमात और जमीयत के मुअक्कर व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम बुज़ुर्गों इस्लामी भाइयों नौजवान साथियों अज़ीज़ों ख़वातीन मिल्लत इस्लामिया आपने मजलिस के नाज़िम मोहतरम से भी सुना और ये बात मुश्तहर भी है कि आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में मुझे जिस मौजू के तहत कुछ बोलना और कहना है वो है नौजवानों का मकाम और किरदार। किसी भी उम्मत के लिए कौम के लिए मिल्लत और समाज के लिए उसका सबसे अजीम तरीन सरमाया और उसकी सबसे अजीम तरीन दौलत उसके नौजवान होते हैं और जवानी का ये मरहला इंसानी जिंदगी के मराहिल में सबसे बेशबहा और कीमती मरहला। बुनियादी तौर पर आप देखेंगे मैं अपने नौजवानों को खुसूसी तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जे चाहता हूं कि इंसान जब पैदा होता है तो बचपन के अय्याम में होता है, बचपन के बाद जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और जवानी के बाद एक मरहला बुढ़ापे का आता है। तो तीन मराहिल बड़े वाजे और नुमाया और बहुत आम मराहिल हैं। शरई इस्तलाह के अंदर और मराहिल हैं लेकिन आम फहम
एक बचपन का, एक पचपन का और एक जवानी का, एक बचपन का, एक बुढ़ापे का, एक जवानी का। जवानी का मरहला ये नशात का मरहला है, कुव्वत का मरहला है, बदन में चुस्ती और नशात और सरगर्मी का मरहला है। और इंसान इस जवानी के मरहले में हर तौर पर हमजहत मजबूत होता है। जब वो पैदा होता है तो नातवां और कमजोर होता है, दूसरों का मोहताज होता है। बचपन के अय्याम में उसके वालिदैन, उसके सरपरस्त और जिम्मेदारान उसे अपने हाथों से दूध पिलाते और खिलाते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होकर के जवान, तवाना, ताकतवर, तंदुरुस्त, हट्ठा कट्ठा, मोटा फरबा होकर के दूसरों का मोहताज नहीं रह जाता। बचपन के मरहले में भी वो मोहताज होता है दूसरों का, और बुढ़ापे के मरहले में भी दूसरों का मोहताज हो जाता है। ऐसे मराहिल आते हैं कि वो दूसरों के खाने पीने और दूसरों की जरूरत की चीजों के लिए वो मोहताज बन जाता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये जवानी का मरहला सरगर्मी का मरहला है, कुव्वत का मरहला है, निशात का मरहला है, इंसान की ताकत और तवानाई का मरहला है, जज्बात और उमंगों का मरहला है, कुछ कर गुजरने का मरहला है, और बचपन और बुढ़ापा ये कमजोरी का मरहला है। कुरान मुकद्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अल्लाहुल लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफिन थुम्मा जाला मिन बाद ज़ौफिन क़ुव्वा थुम्मा जाला मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ौफन व शैबा। अल्लाह ने जब तुम्हें पैदा किया तो तुम कमजोर थे, नातवां थे, फिर अल्लाह ने उस कमजोरी बचपन के अय्याम से निकाल करके तुम्हें ताकत और तवानाई के मरहले की तरफ ले आया। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, सुम्मा जाल मिन बादे कुव्वतिन ज़ौफन व शैबा। अल्लाह ने उस कुव्वत और तवानाई के बाद तुम्हें फिर कमजोरी की तरफ लौटा दिया। तो पता यह चला कि बचपन और पचपन ये दोनों, बुढ़ापे का मरहला और बचपन का मरहला कमजोरी का मरहला है, और जवानी का मरहला ये ताकत का मरहला है। इंसान जिस्मानी एतबार से मजबूत होता है, इल्मी और फिक्री एतबार से भी इसी मरहले के अंदर इंसान मजबूत होता है। अल्लाह कहता है, जब हमने तुमको पैदा किया था तो तुम जाहिल थे, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जब तुम इस रूए जमीन धरती पर वजूद पसीर हुए, अल्लाह ने तुम्हारी माओ के पेटों से तुम्हें इस धरती जमीन पर वजूद बख्शा तो ला तालमूना शैया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम था। कमजोरी का मरहला इल्मी एतबार से भी कमजोरी का मरहला है, ज़हनी एतबार और फिक्री एतबार से भी कमजोरी का मरहला है। अल्लाह कहता है, बुढ़ापे में भी इंसान इल्मी एतबार से कमजोर हो जाता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्दलिल उमरी लिकैला यअलमा बादा इल्मिन शैया। बहुत सारे लोग जिंदगी के आखिरी पड़ाव अर्जले उम्र तक पहुंच जाते और उनके जो जवानी का इल्म होता है वो खत्म हो जाता है उसका, हाँ, उन्हें हिफ्ज और उसकी याददाश्त उनके ज़हनो दिमाग में महफूज नहीं रहती। तो ये इंसान की जिंदगी का बड़ा कीमती और बेशबहा और गिरा कदर मरहला है। इसीलिए इलाहा आलमीन ने कहा कि इस जवानी के मरहले की हमारे नौजवान खास तौर से कदर करें। हर तरह पर ये इंसान इसी जवानी के मरहले में रास्ता भटकता है, गुमराही का शिकार होता है, सीधे रास्ते का इंतखाब करता। अल्लाह ने इसी बुनियाद पर इस कुव्वत, ताकत, उमंग, जज्बात, निशात, सरगर्मी, हौसले और उमंगों के मरहले की कदर का हुक्म दिया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान को पांच चीजों से पहले पांच चीजों को गनीमत समझना चाहिए। दो चीजें मैं सिर्फ जिक्र करूंगा आपको दावत फिक्र देने के लिए। कायक्तनिम खमसन कबला खम्स, हयात का कबला मौतिक, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत समझो। क्या माना गनीमत समझने का? अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की रियाजत, अल्लाह की खुशनूदी, अल्लाह की मर्जी और मशीयत के कामों में गुजारो, बेराहरवी का शिकार मत हो, इस्तेमाल कर लो रिसाई इलाही के खातिर अपनी जिंदगी के इन औकात को गुजार करके, का गनीमत समझो। क्या कहा? अपनी जिंदगी को। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक इंसान को अपनी मौत से पहले, जिंदगी पैदाइश से लेकर के वफात तक तमाम चीजें दाखिल हैं उसके अंदर, लेकिन नबी कायनात ने उन पांच चीजों में कह दिया, शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जब जिंदगी कह दिया तो जवानी के अलग से जिक्र करने की क्या जरूरत थी? उस जिंदगी के अंदर जवानी का मरहला भी दाखिल है, लेकिन अल्लाह के नबी ये पैगाम देना चाहते थे
अपने उम्मत के नौजवानों को यह दर्स देना चाहते थे और दावत फिक्रो अमल देना चाहते थे कि अय मेरी उम्मत के नौजवानों, यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती मरहला है। अगर तुमने इसको अल्लाह की बंदगी और रियाजत के लिए इस्तेमाल नहीं किया तो खुसूसी तौर पर इस जवानी के मरहले में हाँ तुमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां सवाल किया जाएगा, इसके मुतालिक बात पुरस होगी, अल्लाह के यहां हिसाब किताब देना पड़ेगा, इसलिए इस्तेमाल कर लो। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कयामत के दिन ला तजूलु कदमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन खम्स व फी रिवाया हत्ता युसअला अन अरबा अन उमरिही फीमा अबना फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। यहां भी देखिए अल्लाह के नबी ने पहले कहा कि गनीमत समझो इस्तेमाल कर लो, फिर कहा कयामत के दिन बंदे के दोनों कदम रब्बे कायनात के सामने से डगमगा नहीं सकते, वो इधर उधर नहीं जा सकता जब तक चार या पांच चीजों के सवालों का जवाब न दे दे। उन चार या पांच में से दो चीजें अल्लाह के नबी ने मैं जो जिक्र करना चाहता हूं बयान किया कि जब तक उसके उम्र के बारे में पूछ ना लिया जाए। कहां गवाया? पैदा हुआ, जवान हुआ, ताकत दिया हमने, तूने मेरे दीन की दावत, दीन की सरबुलंदी, दीन की इकामत, किताब सुन्नत की तबलीग और अल्लाह के रास्ते में उसकी मर्जी और खुशनूदी के काम करने में गुजारे, या अपनी जिंदगी को अपनी चाहतों और ख्वाहिशात की पैरवी में गुजार दिया। इंसान को हिसाब देना पड़ेगा, उम्र के बारे में सवाल होगा। अब अल्लाह के नबी ने उम्र जिक्र कर दिया, उस मरहले में जवानी दाखिल है नहीं, का अन शबाब ही फीमा अलग से जवानी के बारे में सवाल होगा। ये नबी कायनात क्यों कह रहे हैं कि जवानी को गनीमत समझो, और ये नोट कर लो कि जवानी के बारे में अलग से सवाल होगा। ये जवानी के मरहले की कदर मंजिलत को नबी कायनात इस उम्मत के एक एक फर्द के अंदर बिठाना चाहते थे कि हर जहद से आप देखें पूरी इंसानी तारीख गवाह है कि पूरी इंसानी तारीख के अंदर कोई भी इनकलाब आया हो, तामीरी हो, इस्लाही हो, या फसाद और तकरीब की कोई कारकर्दगी और तहरीक और उसका इनकलाब हो, सारी चीजों में आपको नौजवान पेश पेश मिलेंगे। हजरत मूसा अलैहि सलाम थे, फिरौन के खिलाफ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, मूसा अलैहि सलाम की दावत तौहीद पर लब्बैक कहने के लिए कोई आराजी नहीं था, लेकिन कुछ लोग अगर खड़े हुए मूसा अलैहि सलाम की दावत पर, उन्होंने लब्बैक कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फमा आमन लिमूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन क़ौमिही अला खौफिन मिन फिरौन व मलईहिम, का फिरौन और उसके लश्कर के डर से मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग उनकी दावत नहीं कबूल कर रहे थे, लेकिन चंद लोगों ने उनकी दावत पर लब्बैक कहा, तौहीद का तराना पढ़ा, सदाए अल्लाह पर उस दुनिया और धरती के अंदर बुलंद किया, का फमा आमन अले मूसा इल्ला ज़ुर्रियतुम मिन क़ौमी ज़ुर्रियतुम मिन क़ौमी। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा ये सारे के सारे नौजवान थे जो फिरौन के खिलाफ खड़े हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर उन्होंने लब्बैक कह दिया, तो कोई भी दुनिया में इनकलाब आया तो नौजवान उसमें पेश पेश थे। कुरान करीम में अल्लाह ने सूरे कहा पाप पढ़ते अल्लाह ने जिक्र कर दिया, उन नौजवानों की अदा इतनी पसंद आ गई, मेरे नौजवानों समझो नहनो नकुस्सु अलैका नबहुम बिल हक, अल्लाह कहता है मैं सच्चाई के साथ पूरे वाकये को तुम्हारे सामने जिक्र कर रहा हूं, कोई कमी और ज्यादती और नक्स और इजाफा उसके अंदर मेरी तरफ से कतान नहीं, बिल हक सच्चाई के साथ। इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, एक बादशाह था जो पूरी कौम, पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत को अल्लाह की बंदगी से दूर करता था, अल्लाह वाहिद की इबादत से हटाता था और माबूदाने बातला की परस्तिश और बंदगी की तरफ लाता था, कहा लेकिन चंद नौजवान थे, उन्होंने अपने नबी की दावत पर लब्बैक कहा, कलमे तौहीद पढ़ा, कलमे अल्लाह अकबर पढ़ा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और वहदानियत के कायल हो गए, ईमान ले आए। अल्लाह कहता है हमने उनकी कुव्वत को और बढ़ा दिया, उनकी ईमानी पावर में और इजाफा कर दिया, उनके हिदायत में हमने और मजीद पावर डाल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है यज़िदनाहुम हुदा व रबतना अला कुलूबिहिम, उनके दिलों को हमने बिल्कुल मजबूत कर दिया, बिल्कुल पुख्ता कर दिया और वो खड़े हो गए बादशाह वक्त के सामने, कायद कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाती वल अर्द, का दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ, सारी कुव्वतें एक तरफ, सारे माबूदाने बातला एक तरफ, हम किसी की दावत पर लब्बैक कहने वाले नहीं, रब्बुना व रब्बुस समावाती वल अर्द, हमारा रब, हमारा पालनहार, हमारा परवरदिगार और इस धरती को चलाने वाला, कायनात के पैदा करने वाला आसमान और जमीन का रब है, हम किसी और की इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह वाहिद के साथ किसी और को नहीं पुकार सकते, किसी और के सामने इस जबीन न्याज को नहीं खम कर सकते। अल्लाह कह रहा है कि हमने उनके दिलों को मजबूत कर
दिया। कौन थे? इन्नहुम फितयतुन आमनु, इन्नहुम फितयतुन आमनु, ये चंद नौजवान थे जिन्होंने ये जज्बा और ये ताकत और ये कुव्वत बादशाह वक्त के सामने दिखाया था। मेरे नौजवानों, ये बेईमानी का मरहला बड़ा कीमती मरहला। मैंने बताया नबी कायनात की दावत पर आप पढ़िए, आपकी दावत पर लब्बैक कहने वाले, आपकी दावत की राह में मुश्किलात पर सब्र करने वाले, तौहीद और सुन्नत की दावत को आम करने में आने वाले मसाइबों, मुश्किलात और आजमाइशों पर सब्र के दामन को थाम करके इस्तकामत और इस्तकलाल का पहाड़ और चट्टान बन जाने वाले जो सारे के सारे थे, आपकी ताईद करने वाले थे, आपके मिशन में आपके हम रिकाब और हम पियाला और हम नवाला और हम मशरब और हम माकल थे, आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाले थे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के उस दावती आगाज के मौके पर ज्यादातर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नौजवान थे। नौजवानों ने आपकी दावत पर लब्बैक कहा था, आपके मिशन की ताईद की थी, आपके मिशन को आगे बढ़ाने में आपका सपोर्ट किया था और दीन के इस अलम को, तौहीद के इस झंडे को और अल्लाह की किबरियाई के इस सदाए दिल नवाज को इस धरती पर बपा करने में उन्होंने सबसे बड़ा रोल और किरदार अदा किया था। मेरे नौजवानों, बुतों को कुरान करीम को पढ़ो, अल्लाह ने जिक्र किया कुरान करीम में, नौजवानों का जिक्र किया, इब्राहिम का जिक्र किया। बड़े बड़े बुतों की पूजा हो रही है, शरम तराशे जा रहे हैं, अल्लाह को छोड़ करके, अल्लाह की वहदानियत को छोड़ करके माबूदाने बातला के सामने इस जबीने न्याज को खम किया जा रहा है। एक अल्लाह का ताकतवर सुपर पावर अपने जमाने में, जिसे अल्लाह ने इमामुल मोहिदीन बना दिया, जिसने तौहीद की दावत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसे अल्लाह ने इस इंसानियत पर, इंसानी धरती में, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अतहर के बाद पूरी इंसानियत के लिए उसवा करार दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। सारे बुतों को तोड़ दिया, हथौड़ा ले जा करके, कुल्हाड़ी ले जा करके बड़े बुतर के गर्दन में लटका दिया। सुबह हुआ, कोई किसने तोड़ा? कुरान कह रहा है, लोगों ने क्या कहा? कालू समयना फतन। नौजवान है, यस्करहुम युकालु लहु इब्राहिम, जिसे कहा इब्राहिम कहा जाता, जवान थे बेटे इस्माइल, जवान हो रहे थे। इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, कहा बेटे इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि बारगाह रब्बानी में तुम्हें मैं ज़बह कर रहा हूं, तुम्हारी राय क्या है? कहा प्यारे अब्बू जानी फलमा तुमर का फलम्मा बलगा माहुस्साया, जवानी की दहलीज पर वो नौजवान कदम रख रहा है रब की मर्जी की खातिर, अपनी जान गंवाने के लिए अपने बाप के ख्वाब की बुनियाद पर तैयार हो गया और अपनी जान जाने आफरी के हवाले करने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। एक नौजवान थे। मुफस्सरीन लिखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम इंसानियत में खूबसूरती की मिसाल है। सारे असबाब मुहैया थे किसी खातून से गलतकारी करने के, वो कर सकते थे। जवान, खूबसूरत, मजलूम, मजबूर, गुलाम, खरीदे गए, अजनबी, बहुत सारे असबाब जिनकी बुनियाद पर एक इंसान तैयार हो जाता है। वो नौजवान, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस लिए जिक्र किया? अजीज मिस्र की बीवी ने दावत गुनाह दिया, उस नौजवान ने कतान इनकार कर दिया और अपनी इफ्फत और आबरू की हिफाजत के लिए सारी आजमाइशें बर्दाश्त कर ली, कैद खाने के अंदर उस जवान को डाला गया, मसाइल बर्दाश्त किए, मुश्किलात बर्दाश्त किए, परेशानियां बर्दाश्त की और सारी परेशानियां बर्दाश्त करने के बाद जब इस बंदे जलील को, अल्लाह के इस अजीज तरीन बंदे को कैद खाने के अंदर डाला गया तो वहां भी नहीं बैठता है, वहां भी खामोश नहीं रहे। कैद खाने के अंदर उन्होंने अल्लाह की तौहीद की दावत दी और अल्लाह की तौहीद के आलम को उठाए रखा और कहा या साहिब इस सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैर अम अल्लाहुल वाहिदुल कहार, अय कैद खानों के मालिक, अय कैद खानों के निगरा और जिम्मेदार, सुन लो ये माबूदाने बातला जो अलग अलग तुम अपने हाथों से तराश करके जिनकी तुम पूजा करते हो, जिन्हें तुम अपना माबूद समझते हो, का ये बेहतर है या एक रब करीम जो तन्हा तुम्हारी इबादत का मुस्तहिक है वो बेहतर? ये कुरानी नौजवान थे, कैद खाने के अंदर अल्लाह की तौहीद की दावत देते थे नबी के मिशन की ताईद में। मेरे नौजवानों, मेरे पास वक्त नहीं है, आप सहाबे किराम की जिंदगियों को पढ़ें, बिल्कुल वक्त नहीं है कि मैं इस हवाले से सहाबा की जिंदगियों के मिसाल को जिक्र करूं, लेकिन मैं इजमाल के साथ, इशारे के साथ, सहाबा को पढ़ो, सहाबे किराम वो थे
कि इबादतों में सहाबे किराम को अल्लाह के नबी को मना करना पड़ता था। कहते थे मैं एक रोजाना रोजे रखूंगा, एक दिन के अंदर कुरान खत्म करूंगा। सहाबा को अल्लाह के नबी मना करते थे, नहीं तुम 3 दिन को अंदर रोजा रखो, तुम हफ्ते में रोजा रखो, तुम 10 दिन में रोजा रखो। ये इबादतों का हाल था। आकर के नबी एक कायनात से ज्यादा इबादत की जुस्तजू और तब अपने अंदर से इजहार करते थे। लेकिन आज हमारी हालत क्या, जिहाद के मौके पर मेरे नौजवानों, आज हमारी आपकी हालत क्या है? तुम्हें जुमा के लिए वक्त नहीं मिलता, तुम जुमा के लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हो। मैं कहता हूं मेरा नौजवान अगर सुधार के रास्ते पर आना चाहता है तो वो अपना मामूल बना ले, और हमारे वालिदैन ये मामूल बना ले कि हम अपने बच्चों को कम से कम ये उलमाए किराम के खुतबात जरूर सुनाएं, जरूर वक्त पर मस्जिदों के अंदर पहुंचे, और ये दिलों के अंदर जो जंग है उसको सैकल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। तुम कुर्बानी दो। सहाबे किराम आते थे, अब्दुल्लाह इब्ने उमर आए, कहा गज़वे उहद के मौके पर 15 साल का नहीं था, नबी ने लौटा दिया। सहाबा आते थे, झगड़ा करते थे। हजरत समुरा इब्ने जुंदुब और राफे इब्ने खदीज दोनों साथ में आए। राफे इब्ने खदीज को अल्लाह के नबी ने इजाजत दे दी, कहा के जंग में जाने की। समुरा पहुंच गए अपने वालिद के पास और रोने लगे, खड़े हो जाते थे पांव के बल पर। मजलिसे सहाबा में जंग में हाजिरी का मौका आता था, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए पंजों पर खड़े हो जाया करते। अल्लाह के नबी हम भी जंग में जाएंगे, अपने इस दीन इस्लाम के लिए अपनी जान अल्लाह के लिए कुर्बान करेंगे। ये सहाबा थे, पंजों के बल कुर्बान हो जाते, खड़े हो जाते थे। हजरत समुरा इब्ने जुंदुब गए अपने वालिद के पास, रोने लगे, कहा नबी ये कायनात ने मुझे लौटा दिया, जंग में जाने की इजाजत नहीं दी अल्लाह के नबी ने, अब्बू जान मुझे भी जाना है। वालिदे गिरामी के पास रोने लगे। नबी ये कायनात से कहा गया कि अल्लाह के नबी ये बेहतरीन तीरंदाज है। सहाबा दोनों में दौड़ करवाई अल्लाह के नबी ने, मुसाबका करवाया, कहा जो आगे निकल जाएगा। समुरा दौड़ते हुए आगे चले गए, हाफे इब्ने खदीज को पहले इजाजत मिल चुकी थी, अल्लाह के नबी ने समुरा इब्ने जुंदुब को भी इजाजत दे दी, कहा तुम भी चल। ये हालात थे। आकर के अपनी उम्रें ज्यादा बताना, अपने आप को बड़ा और ताकतवर साबित करना। इबादतों के अंदर उनकी फिक्र का आलम यह था, खिदमत खल्क का आलम यह था। अल्लाह की इबादत के बाद सबसे अजीम काम वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक और हुस्ने बर्ताव का यह आलम था। नबी कायनात कहते हैं, माई आयशा कहती है कि मैं गया, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूं, मैंने कुरान करीम पढ़ने की आवाज सुनी, आवाज आई मुझे, एक गुलाम है, एक नौजवान है मेरे नौजवानों। अल्लाह के नबी कहते हैं, माई आयशा बयान करती है कि वो हारिसा इब्ने नौमान है, जवान साहबी, जवान साथी है। कहा कि कदालिकाल बिर, यही बदला है अल्लाह की तरफ से माँ बाप के साथ उसने सुलूक का। काना बर्रन्ना से बेउम्मी, हारिसा अपने माँ के साथ बड़ा अच्छा बर्ताव करने वाला, कुरान में तिलावत कर रहा। हजरत रबिया इब्ने काब अल असलमी नबी कायनात के लिए खिदमत किया करते थे, वजू का पानी, जरूरतों का सामान लाते थे। रबिया से पूछा अल्लाह के नबी ने कि ऐ रबिया मांगो, क्या मांगना चाहते हो? किस लिए दुआएं करवाते हमारे नौजवान? रबिया ने कहा अल्लाह के नबी असलो का मुराफकत का फिल जन्ना, अल्लाह के नबी इस दुनिया में तो आपकी रफाकत मिल जाती, आपकी खिदमत में वजू और जरूरतों का सामान, वजू का पानी ले जाकर के रख लिया करता हूं, रिफाकत और सोहबत का शरफ मिला रहता है, उस आखिरत की जिंदगी में क्या होगा? आखिरत की फिक्र है, और आखिरत की फिक्र के साथ साथ नबी की रिफाकत की फिक्रमंदी देखिए, जन्नत भी मिल जाए और जन्नत में नबी की रिफाकत नसीब हो जाए। यह हमारे सहाबे किराम का जज्बे मोहब्बत रसूल था। कहा अवा गई रजालिक रबिया, कुछ और मांग ले रबिया, कुछ और मांग ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। गुमराह करने वाला कहता देखो मुख्तारे कुल ना होते तो क्यों कहते सल नहीं मांग ले, वो आगे नहीं देखता। अल्लाह के नबी ने कहा रबिया कसरत से नमाज पढ़ो, जन्नत में मेरी रफाकत मिल जाएगी, कसरत से सजदा किया करो। अबू कतादा थे, जनाजा लाया गया, हमारे नौजवान कहाँ अपने पैसे खर्च करते, अपने शौक में, अपने कपड़ों में, अपने ड्रेसिंग में। भाई मर जाए, पड़ोसी मर जाए, बाप भूखा मर जाए, लेकिन आज के नौजवान की चाहत, उसका शौक, उसका जौक पूरा होना चाहिए। अबू कतादा थे, एक जवान थे, नबी कायनात ने जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया थोड़े से कर्ज की बुनियाद पर। अबू कतादा खड़े हो गए, कहा अल्लाह के नबी मैं अदा करूंगा। यह खिदमत खल्क का जज्बा था,
ये अपने साथियों के साथ मोहब्बत थी कि अबू कतादा तैयार हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हें ही पूरा करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हाँ उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ही पूरा करूंगा। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद थे, इल्म का हाल यह था। साहबा मेरे भाई अब्दुल्लाह इब्ने मसूद एक अंसारी साहबी से कहते हैं, वक्त मेरा हुआ चाहता है मैं एक बात जिक्र करके बात खत्म कर दूंगा, बहुत अहम मसला है। अबू कतादा उसके बाद अब्दुल्लाह इब्ने मसूद इतने अमानतदार कहते हैं, मैं उकबा इब्ने अबी मुईद की बकरियां चराता था, नबी अपने रफीके गार अबू बकर सिद्दीक के साथ आए और कहा कि अब्दुल्लाह दूध लाओ, दूध भरे प्यास लगी है, भूख लगी। अल्लाह के नबी मैं मालिक नहीं हूं, मैं खादिम हूं नबी से बढ़कर के। उनकी निगाह में उनके लिए मोहतरम मुकद्दस कोई नहीं था, जान कुर्बान कर देते अगर उनके इख्तियार की बात होती, लेकिन इनकार कर दिया। कहा अल्लाह के नबी मैं मालिक नहीं हूं, मैं खादिम हूं, नौकर हूं, मेरे इख्तियार में नहीं है ये माल इस्तेमाल करूं, मैं मोहतमन हूं, गुलाम हूं, अमानतदार बनाया गया है, मुझे बगैर इजाजत के इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं। इनकार कर दिया नबी से। नबी कायनात ने कहा एक जानवर लाओ जिसको नर जानवर ने मुंह ना देखा हो, हाथ ना लगाया हो, अपना हाथ लगाया। अबू बकर से कहा एक पत्थर लाओ, दूध निकाला, अल्लाह के नबी ने पिया, अबू बकर ने पिया, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने पिया, फिर हाथ लगा दिया, उस जानवर का थन सूख गया। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहने लगे अल्लमनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी मुझे सिखा दीजिए जो कलाम पढ़ करके आपने दूध निकाला। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से कहने लगे कि अंता गुलैमुन मुअल्लम, तू तो ऐसे होनहार है, तू तो वैसे इतना होशियार है, तू तो वैसे इतना चालाक और समझवार है, होनहार के होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात में से तूने तो इतना बड़ा ईमानदारी का सबूत दिया है कि तूने मुझे देने से इनकार कर दिया, और क्या चाहिए। कहा तुम पढ़ो कुरान। मेरे भाइयों जिक्र करने का मौका नहीं है मुझे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान बने, खानवदे रसूल के चश्मो चराग थे। एक अंसारी से कहते हैं चलो एक साहब के पास एक हदीस है, जुमा नहीं पढ़ने आते ना वक्त पर, मौली साहब हदीस सुनाते तो भाग लेते ना, दरसे कुरान के अंदर बैठने का मौका नहीं ना। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद उस मक्का की गर्मी, उस धूप की तमाजत मदीना तैयबा की, लू चल रही है, दोपहर के वक्त जाकर के उस सहाबी के दरवाजे पर बैठ गए, दरवाजा नहीं खटखटाया, कहा कि उस ताखी ना हो जाए, और दरवाजे पर एक हदीस के लिए बैठे रहे। गर्मी लग रही, वो लू चलती रही, गर्म हवाएं उनके सर से और कनपटी से आकर के टकराती थी, लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद बैठे रहे नबी के एक हदीस की हिफाजत के लिए। यह जज्बा था इल्म का। तब जाकर के अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, मुफस्सिर कुरान बने, आज तफसीर का मर्जा बन गए, एक अथॉरिटी बन गए, एक पावर और सनद की हैसियत रखने वाले बन गए। मेरे नौजवानों ये सहाबा की जिंदगियों को पढ़ो। इस्लाम कबूल करने की बारी आई, मुआद और मुआविज अबू जहल के खिलाफ खड़े हो गए, कहा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले कहां हैं, अबू जहल कौन है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से पूछ करके मैं अपने नबी की शान अकदस में गुस्ताखी करने वाले को जिंदा नहीं देखना चाहता, अबू जहल का नाम बताओ। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ डर गए, ये छोटे छोटे बच्चे अबू जहल का क्या बिगाड़ेंगे। उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत में अबू जहल को उसी वक्त जामे मौत पिला दिया उसी मजलिस के अंदर। ये नबी से मोहब्बत थी। अब्दुल्लाह इब्ने उबै इब्ने सलूल का बेटा अब्दुल्लाह, जब उसने सुना कि मेरे नबी की शान में इन्होंने गुस्ताखी की है, मेरे बाप ने गलत सलूक किया है, गलत रवैया इख्तियार किया, नबी का गुजर हुआ, रईसुल मुनाफिकीन ने कहा गब्बरा अलैना इब्न अबी कबशा, मोहम्मद ने मेरा माहौल खराब कर दिया। बेटे के कानों से यह आवाज टकरा गई। अब्दुल्लाह इब्ने सलूल उन्होंने कहा वल्लदी अकरमका या रसूल अल्लाह, वल्लदी अकरमका लइन शेता लातैतुका बिरासी, मेरे बाप की यह गुस्ताखी एक तरफ और आपकी मोहब्बत और अकीदत एक तरफ, अगर आप कहें तो मैं अपने बाप का सर आपकी खिदमत अकदस में ला करके रख दूं, यह आपकी मोहब्बत है, मैं अपने बाप से मोहब्बत नहीं करता, मेरी आपकी शान में उसने गुस्ताखी की। ये सहाबत है, बाप एक तरफ, समाज एक तरफ। मेरे नौजवानों आज माहौल बहुत खराब है, आपकी सूरत हाल बड़ी अजीब है, आप इस उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया थे, आपके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, नबी की दावत, दावत तौहीद और सुन्नत के इस मिशन को उलमाए किराम के कदम से कदम मिला करके अखलाक और किरदार की अच्छाई के साथ इस इस्लाम की अकामतों, इस्लाम के गलबा और इस्लाम की सरबुलंदी और तौहीद का आलम इस दुनिया इंसानियत तक पहुंचाने के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी, लेकिन आप दाई थे,
आप मुसले थे, आप समाज के रिफॉर्मर थे, आप इंसानियत को इंसानियत का पैगाम पढ़ाते, लेकिन आज अल्लामा इकबाल ने कहा था सरों पे बाल देखो तो ये कौन कट शर्म आती है हमारी मस्जिदों के अंदर। हाँ शर्म आती है, ये इस कदर गिरविदा हो गए मगरबी तहजीब के, इस कदर दिलदादा हो गए उस हैवानी तहजीब के, हाँ जिसने इंसानियत का, इस्लाम का और तमाम चीजों का आला अकदार और किरदार का जनाजा निकाल कर रख दिया। इनका लिबास देखो तो शर्म आती। आप तो दाई थे मुहताज दावत हो गए, आप मुसले थे मुहताज इस्लाह हो गए, आप इस दुनिया में फसाद बर्पा करने लगे। आपका किरदार बहुत आला होना चाहिए। मोहम्मद इब्ने कासिम में जिक्र करता हूं, एक नौजवान था गुजरात की धरती पर आया, सिंध से इस्लाम लेकर के आया, जब इसी धरती से जाने लगे तो मोहम्मद इब्ने कासिम जब इस दुनिया से जाने लगे तो मोहम्मद इब्ने कासिम का मुजस्समा बना लिया, पूजने लगे। इतना आला अखलाक और किरदार इंसानियत के सामने पेश किया था। आप मुसलमानों की रुसवाई का सबब बन रहे हो। कोई एक थप्पड़ रसीद करे तो गालियां आपकी जबान से, बदतमीजियां आपकी जबान से, आप रिएक्शन के तौर पर किसी हद तक जाने के लिए तैयार, एक मोमिन का शियार नहीं है। आप अपने अखलाक को संवारिए, एक मुसलमान का नुमाइंदा और तर्जुमान बनकर के इस धरती पर जीजिए और दावत की खातिर अपने किरदार को संवारिए, इल्म हासिल कीजिए, तौहीद और सुन्नत को पहुंचाना यह आपका किरदार है, आपकी जिम्मेदारी है, और इंसानियत की फिक्रमंदी करना और इस जलालत और तारीकी के माहौल में इल्म की रोशनी और इल्म का चराग जलाना यह हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। यह सिर्फ उलमा का काम नहीं है। मेरे नौजवानों उठो, बेदार हो जाओ और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए काम करो। मैं 2 मिनट की इजाजत के साथ एक वाकया अपनी तारीख का जिक्र करके बात खत्म ही कर दूंगा। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना हमारे उलमा बैठे हुए, एक दिन मगरिब के बाद 10,000 हदीसों के हाफिज थे, इस्लाम का जनाजा निकल चुका था, दीन अकबरी राइज था, इस्लाम 1,000 साल से बहुत अजनबी और गरीब बन चुका था इस हिंदुस्तान के अंदर, सही और ओरिजिनल इस्लाम की शक्लों सभी बिगाड़ करके रख दी गई थी। खानवादे दिल्ली से बहुत बड़े बड़े चिराग निकले। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह साहिब तकवीतुल ईमान हमारे नौजवान नाम नहीं जानते, पढ़ते नहीं किताब, तकवीतुल ईमान पढ़ लो एक बार, मैं तुमको ताकीद कर रहा हूं। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने ताया बड़े अब्बू शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के घर गए, देखा मगरिब का वक्त है, तांगे पे यक्के पे बैठ करके लड़कियां संवर के बन के ज़ेबाइश और आराइश के साथ कहीं जा रही हैं। कहा ये कौन है? पूछा किसी से, यहूदियों की लड़कियां, ये नसरानियों की लड़कियां, ये हिंदुओं और मजूसियों की लड़कियां? कहा नहीं। मैं इख्तिसार के साथ जिक्र कर रहा हूं, शाह इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि ये मुसलमानों की बेटियां हैं, किसी का नाम नूर जहां, किसी का जहां आरा, किसी का कुछ और नाम। शाह इस्माइल शहीद उनका जमीर जाग गया, बेदार मग्ज थे, इंसानियत और मुसलमानों का दर्द और उनकी फिक्रमंदी थी। कहा मुसलमानों के अंदर ये कहां जा रही हैं? कहा ये पेशावर खातून हैं, ये अपनी आबरू और इफ्फत बेच करके जिंदगी गुजारने वाली अवारतीन है और तय है, ये जा रही है कहीं काम से। इनकी एक मीटिंग और मजलिस लगी हुई, कहां लगी हुई है? बताया गया कि यहां लगी हुई है। कहा मैं जाऊंगा, लोगों ने मना किया। कहा मैं उनको अल्लाह का पैगाम सुनाऊंगा, उन बदकार और पेशावर खवातीन के दरमियान जाकर के मुझे अल्लाह के यहां हिसाब देना है कि इसी धरती पर मुसलमानों के अंदर ऐसी बेटियां थी, ऐसी खवातीन थी जो अपनी फतो आबरू बेच करके जिंदगी गुजारती थी और इस्माइल इसी दिल्ली के अंदर जिंदगी गुजार रहा था, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह की बारगाह? खड़े हो गए, लोगों ने मना किया। अभी वैसे तुम्हारा चर्चा चल रहा है, तुम आमीन बिल जहर की बात कर रहे हो, रफ़े देन की बात तुमने छेड़ दिया, कहां जाओगे? ये सब छोड़ दो, लोग बहुत मारेंगे। हाँ मैं जाऊंगा। फकीराना लिबास पहने दरवाजे पर पहुंचे, कहा मैं ऊपर जाना चाहता हूं। कहा इजाजत नहीं है। कहा मैं फकीर आदमी हूं, मैं भी कुछ सुनाना चाहता हूं, जोगी आता था पहले सुनाता था, मैं भी उस मजलिस में जाकर के कुछ सुनाऊंगा। बहरहाल जैसे तैसे पहुंचे ऊपर, उन लोगों को कुरान सुनाया, हदीसें सुनाई, पत्कारी और जनाकारी की कबाहत और मजम्मत सुनाई, दीन की और मकसद हयात को उन्होंने दोहराया, अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत दी, कुरान पढ़ पढ़ करके सुनाया, 10,000 हदीसों के हाफिज थे। कहा कि सारी लोगों ने तौबा कर लिया, सब ताइब हो गई, अपने पेशे से तौबा करके इस्लाम सही इस्लाम की तरफ लौट आई, और वो
मुजाहिदीन के साथ जिहाद के रास्ते में निकलती थी जो सरदार थी, जब ये हमारे उलमा जिहाद के लिए निकलते थे तो वो आटे उस चक्की से पीस पीस करके गूंजती थी और मुजाहिदीन के लिए रोटियां बना करके तैयार करती थी। किसकी दावत पर? शहीद हो गई वो पेशावर खातून, इस्लाम की राह में मुजाहिदीन की खिदमत करते हुए इतनी बड़ी शहादत से वो बहरावर हुई। किसकी दावत पर? शाह इस्माइल शहीद की जिंदा दिली और फिक्रमंदी पर। मेरे उलमा, फिक्रमंदी का इजहार कर, दावत को पेशे के तौर पर नहीं, इंसानियत के दर्द के तौर पर हमें देखना होगा और इंसानी समाज के मसाइल पर गौर करना होगा और हमारे नौजवानों को इस समाज के अंदर एक दाई बनकर के जिंदगी गुजारना होगा। लेकिन हालत यह है कि शव के परवाज में महजूर नशीमन भी हुए, बेअमल थे ही जमा, दीन से बदजन भी हुए। नई तहजीब ने इनको हर एक बंद से आजाद किया, काबे से लाके सनम खाने में आबाद किया। बालों को देखो, कपड़ों को देखो, ये सारे नौजवान बैठे हैं। हाँ, ये किसका कट है? किसी सहाबी का कट है? नबी का कट है? किसी नबी और रसूल की पैरवी में नहीं, तुम गुमराह हो रहे हो मेरे नौजवानों। ये बहुत बड़ी, मैं मुझे वक्त नहीं, मैं बात खत्म कर देता हूं। इसलिए हमारा काम था अल्लाह के फरमा को लेकर हम रूए जमी पर आए थे, अल्लाह के फरमा को लेकर हम रूए जमी पर आए थे, सोई हुई गाफिल दुनिया को ख्वाबों से जगाने आए थे। अफसोस हमारी हालत पर, हम भूल गए क्यों आए थे। हम दूसरों को भलाई का दर्स देने के लिए आए थे, आज हम मोहताज हो गए, हमारा नौजवान मोहताज हो गया। मेरे बुजुर्गों, संभालो इनको। मेरे नौजवानों, आओ सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, शुजात का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का, तुम उम्मत का बहुत बेशकीमती सरमाया हो। अगर तुम बिगड़ गए तो आने वाली नस्ल गुमराही का शिकार हो जाएगी। उठो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए, जिम्मेदारान की कोशिशों को कबूल फरमाए, हमारे नौजवानों को दीन के पैगाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने मकसद हयात को जानने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर अमल के साथ दीन की दावत की जिम्मेदारी को भी अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।